समर्स का सीजन अपने एकदम पीक पे आ चुका है और समर्स में हमें अपने बालों का, अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। एक्चुअली होता क्या है कि समर्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पॉल्यूशन तो हमेशा रहता ही है, तो उसकी वजह से जो हमारे बालों की जो चमक है वो गायब हो जाती है, हमारे बाल एकदम ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसा अमेजिंग सा हेयर मास्क। इस हेयर मास्क को यूज़ करने के बाद आपके बाल सिल्की बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ बनेंगे और आपके बालों में एक बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ जाए। हेलो गाइज, मैं हूँ आकांक्षा और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए वीक में 3 डेज वीडियोस लेके आती हूं। वो हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस होते हैं, स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस होते हैं और बहुत सारे अमेजिंग से DIY होते हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स पे या इन वीडियोज़ में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल बटन को भी क्लिक कर लें। तो फ्रेंड्स, उससे क्या होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी, तो इससे आप मेरी कोई वीडियोस मिस नहीं करेंगे। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ही फॉलो कर सकते हैं, यहाँ अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आज जो मैं आपके साथ हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ उसको यूज़ करने के बाद आप अपने बालों को बहुत ही अच्छा अमाउंट में प्रोटीन देने वाले हैं, अपने बालों को बहुत अच्छे नरिश करने वाले हैं, न्यूट्रिएंट्स देने वाले हैं। और इस मास्क को यूज़ करने के बाद जो आपके बाल हैं वो एकदम खुशी की वजह से लहराने लगेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस अमेजिंग से हेयर मास्क को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है। मैं इस मास्क को आपको अपने बालों पे अप्लाई करके दिखाऊंगी और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है। इस हेयर मास्क को प्रिपेयर करने के लिए हमको जो मेन इंग्रेडिएंट चाहिए वो एक ऐसा फ्रूट है जो आपको हर सीज़न में अवेलेबल होगा और आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको ये फ्रूट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो उसका नाम है बनाना, केला। आपको ये हर सीज़न में अवेलेबल रहता है और आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं तो आपको ये फ्रूट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो बनाना में बहुत ही लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स, नेचुरल ऑयल्स, पोटेशियम, विटामिन्स होते हैं, आपके बालों को सॉफ्ट बनाते हैं, सिल्की बनाते हैं, जो आपके बालों में डैंड्रफ होता है उसको दूर करते हैं या डैंड्रफ को आने से रोकते हैं, आपके बालों को बहुत ही मैनेजेबल बनाते हैं, हेयर रूट्स को मॉइस्चराइज और डीप नरिश करते हैं। तो अगर आप इस बनाना को आप कंटिन्यूस यूज़ करेंगे तो आपका जो हेयर फॉल है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ मैं ले रही हूँ 2 बनाना। आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग बनाना ले सकते हैं, अगर आपकी शॉर्ट हेयर लेंथ है तो आप 1 बनाना भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ ले रही हूँ 2 बनाना। ये एकदम पके हुए बनाना है। अब इसको मैं पील आउट कर लेना है और पील आउट करने के बाद आपको इसको स्मॉल स्मॉल पीसेज में कट कर लेना है। उसके बाद आपको लेना है एक मिक्सी जार या ब्लेंडर ले सकते हैं आप, उसमें आपको इन बनाना को ट्रांसफ़र कर लेना है और आपको एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको आपको डायरेक्ट यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। कई लोग सोचते हैं कि बनाना हेयर मास्क अप्लाई करने के बाद जो बनाना का जो फाइबर्स होते हैं उनके बालों में रह जाएंगे, नहीं निकलेंगे, कि वैसे उनका हेयर फॉल ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो जो हेयर मास्क का एडवांटेज मिल रहा होगा वो डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप उस तरीके से इस हेयर मास्क को अप्लाई करेंगे तो यकीन मानिए आपके बालों में बनाना का एक भी फाइबर नहीं रहेगा। फर्स्ट हेयर वॉश करने के बाद ही आपका जो हेयर मास्क है वो ईजिली आपके बालों से निकल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रही हूँ अगर आप उसी तरीके से यूज़ करेंगे तो ऐसा होगा। तो आपको डायरेक्ट इस बनाना पेस्ट को यूज़ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको लेना है पहले एक बाउल और लेना है एक स्ट्रेनर, उसमें आपको ये जो पेस्ट है इसको ट्रांसफ़र करके स्ट्रेन करना है। आप स्पून की हेल्प से इसको चलाते हुए ऐसे स्ट्रेन करें और नीचे जैसे आप देख रहे हैं नीचे मैं आप बार बार जो स्ट्रेनर है जो चली है इसको मैं बाउल से पोंछ रही हूँ, ऐसे ही आपको भी इसको साइड से जो बाउल का साइड है उससे आपको पोंछना है। उससे क्या होगा, जो हमारा जो बनाना का जो पेस्ट है वो ईजिली स्ट्रेन हो जाएगा। जब आप इसको स्ट्रेन करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, पर अगर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलने वाला है इस हेयर मास्क का। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके बालों में इसका एक भी फाइबर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से करके मैंने अपने पूरे जो बनाना का जो पेस्ट निकला था उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है। आप देख सकते हैं जो हमारा बनाना पेस्ट था वो स्ट्रेन हो गया है और ये स्ट्रेनर में बच गए हैं थोड़े से फाइबर्स। इसको आपको हटा के अलग कर देना है। जो ये फाइबर्स होते हैं जो आप देख रहे हैं यही हमारे बालों में फंस जाते हैं
और उसके बाद हम हेयर वॉश करते हैं तब भी हमारे बालों से इजली नहीं निकलते और फिर बहुत ही मुश्किल हो जाती है हमें इसको बालों से निकालने में। तो इसको हमने स्ट्रेन कर लिया है। तो सेकेंड इंग्रेडिएंट हमको चाहिए वो है कर्ड या फिर दही। इसकी हमको लेनी है 4 टेबल स्पून। तो मैं इसमें से 4 टेबल स्पून इसमें ऐड कर लेती हूँ। जो कर्ड होता है वो हेयर फॉलिकल्स को डीप नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, उसकी वजह से जो हमारे बाल हैं वो हेल्दी बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं। अगर आपकी इची स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो उसको भी दूर करता है कर्ड। अगर आपके डेंड्रफ है तो उसको कंट्रोल करता है। तो कर्ड भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। अब हमको जो थर्ड और लास्ट इंग्रेडिएंट लेना है वो है हनी, शहद। हनी में एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरिया प्रॉपर्टी होती है, तो उसकी वजह से ये हमारे बालों को स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड कराता है, हमारे स्कैल्प को डीपली नरिश करता है, हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अगर आपके डेंड्रफ है उसको कंट्रोल करता है, हमारे बालों को स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है। तो इसकी हमको लेनी है 2 टेबल स्पून। तो हनी की मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दी है। अब आपको इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आप इसको ईजिली अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, इस बनाना हेयर मास्क में कोई भी फाइबर नहीं है। तो आप देख सकते हैं मिक्स करने के बाद जो इसकी कंसिस्टेंसी है कुछ इस फॉर्म में हो जाएगी। तो ये जो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको इस हेयर मास्क को बना के बिल्कुल रखना नहीं है, क्योंकि जो बनाना इसमें हमने यूज किया है वो बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और बहुत जल्दी ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको उसको फ्रेशली प्रिपेयर करना है और फ्रेशली अपने बालों में अप्लाई कर लेना है। इस मास्क को स्टोर करने का तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। इस मास्क को हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इस हेयर मास्क को हमें अप्लाई कैसे करना है। इस हेयर मास्क को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बालों में कॉम कर लेना है, अपने बालों को टेंगल फ्री कर लेना है। उसके बाद आपको पार्टीशन करके अपने हेयर स्कैल्प पे इसको अप्लाई करना है अच्छे से। जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में कि इसको सबसे पहले अपने हेयर स्कैल्प पे अप्लाई करना है। जैसे मैं पार्टीशन करके इसको अपने हेयर स्कैल्प पे अप्लाई कर रही हूँ, आपको ऐसे अप्लाई करना है। अगर आपको इसको ब्रश की हेल्प से यूज़ करना है, जो डाई वाला ब्रश होता है उसकी हेल्प से इसको यूज़ करना है, तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे हाथ से यूज़ करने में से कम्फर्टेबल रहता है तो मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ। उसको आपको अच्छे से अपने बालों में अप्लाई करना है। दूसरी साइड हेयर स्कैल्प पे अप्लाई कर रही हूँ, पूरे से अच्छे से अपने बालों पे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद आपको हेयर स्कैल्प पे अप्लाई करते हुए आपको इसको यूज़ करना है अपने हेयर लेंथ में, हेयर टिप पे। कोई जो हेयर टिप है उसमें ज़रूर अप्लाई करना है, क्योंकि जो हमारे ड्राई हेयर होते हैं वो हेयर टिप में ही ज़्यादा होते हैं। तो आपको इसको हेयर स्कैल्प के साथ साथ आपको पूरी हेयर लेंथ में भी, हेयर टिप पे भी अच्छे से अप्लाई करना है। अच्छे से आप इस हेयर मास्क को अप्लाई कर लें तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेक श्योर करें जब आप लगाएं कि अच्छे से आपके पूरे बालों में लग जाए हेयर मास्क। उसके बाद अप्लाई करने के बाद अगर आपके शॉर्ट हेयर हैं तो आप लगा के इसे छोड़ भी सकते हैं, अगर लॉन्ग हेयर हैं तो आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप एक बन बना लें। जब आप इस मास्क को अप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ा स्टिकी लगेगा, गंदा सा लगेगा, लेकिन जब आप इसका जो रिजल्ट देखेंगे बहुत ही अमेजिंग होगा। तो आप जो मास्क को लगाते टाइम जो प्रॉब्लम हुई है आपको, वो सारी भूल जाएंगे, क्योंकि आपके बाल इतने सुंदर हो जाएंगे, इतने स्मूथ हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। बन बनाने के बाद आपको इस हेयर मास्क को अराउंड 40 to 45 मिनट्स रखना है। थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं 5-10 मिनट, पर हाँ अराउंड 40 to 45 मिनट्स रखना है। 40 मिनट्स बाद आप इस हेयर मास्क को वॉश कर लें। अब वॉश कैसे करना है, एक बार बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि यदि अकेला पानी से वॉश करना है या शैम्पू यूज़ करना है या शैम्पू यूज़ नहीं करना है। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपने हेयर मास्क लगाया है तो आपको शैम्पू करना कंपलसरी है। लेकिन कैसे करना है आपको शैम्पू, अब वॉश कैसे करना है, पहले आपको नॉर्मल वाटर से एक बार अपने बालों को वॉश कर लेना है और उसके बाद आप किसी माइल्ड शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लें। अगर आप शैम्पू से वॉश कर रहे हैं तो आपके बालों में थोड़ा बहुत हेयर मास्क रह भी जाता है तो ईजिली निकल जाएगा। जब हेयर वॉश करने के बाद जब आपके बाल सूख जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे जो आपके बालों में खोई हुई शाइनिंग थी वो वापस आ जाएगी, आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की शाइनी हो जाएंगे। जिस तरीके से मैं आपके साथ शेयर किया कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है और कैसे अप्लाई करना है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो यकीन मानिए कि आपको बिल्कुल भी इस हेयर मास्क को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत ईजिली ये हेयर मास्क आपके बालों से निकल जाएगा और आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ सिल्की शाइनी सॉफ्ट बना देगा। अगर आपको इस मास्क के अच्छे रिजल्ट चाहिए तो केवल और केवल आपको इस मास्क को वीक में 1 डे अप्लाई करना है और इस मास्क के फर्स्ट यूज से ही जिसका रिजल्ट है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप तो मेरे कहने पर ज़रूर आप इस हेयर मास्क को ट्राई कीजिए, अपने बालों को सुंदर बनाइए, निखरतुआ बनाइए। और हाँ, अपने जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक लिस्ट हेल्थी बी से, बाय बाय, टेक केयर।